हे गाइस, वेलकम बैक। सो देखिए, आज से एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। राज्यसभा जो टीवी है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे डिबेट आते हैं, और एक डिबेट का नाम है बिग पिक्चर। आपने सुना भी होगा, अगर आप स्पेशली यूपीएससी या किसी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने बिग पिक्चर के बारे में सुना भी होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस किए जाते हैं, और ये टॉपिक भी आप कवर करते रहेंगे। यानी कि वीक में देखिए, ये पाँच पाँच दिन आते हैं, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको पूरा कोर्स क्या है, हमारे प्लान क्या है कोर्स का। देखिए, जो बिग पिक्चर है, बिग पिक्चर है, ये वीक में 5 दिन आता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे में ये लगा लिए 3 से 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से होते हैं। काफ़ी बार पांचों के पांचों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप किसी भी तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर ये पांच पांच टॉपिक आप कवर करते रहेंगे वीक के, तो यानी कि ये लगा लीजिए 4 भी टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो एक वीक में 16 टॉपिक ऐसे हो गए, यानी कि एक मंथ में 16 टॉपिक ऐसे हो गए जो बहुत आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। अब देखिए, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हमें ये करना चाहिए। वैसे तो हम रोज दा हिंदू पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसका रीज़न यह है, इसके अंदर व्यूज़ होते हैं, वो बहुत डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, और डिफरेंट व्यूज़ इस तरह के व्यूज़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन के जो आंसर हम देते हैं उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें पहले बताते हैं कि ये न्यूज़ क्यों अभी ये जो है इतना फोकस है, कितना जो यानी कि करंट न्यूज़ क्यों है ये। ठीक है, उसका रीज़न बताते हैं, उसका बैकग्राउंड पूरा बताते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पूरा बताते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न क्या रहा। इसके बाद बताते हैं करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो क्या है। उसके बाद वे फॉरवर्ड बताते हैं, यानी कि आंसर, यानी कि क्या इस प्रॉब्लम का सिचुएशन क्या होनी चाहिए, एक फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इंडिया का पर्सपेक्टिव भी रखते हैं, अगर वर्ल्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इंडिया को कैसे जो है आगे मूव करना चाहिए या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो मोस्टली इसमें न्यूज़ जो है नेशनल न्यूज होती है। ठीक है, मोस्टली नेशनल न्यूज होती है, कभी कभी जो है इंटरनेशनल जो है ज्यादा ही मुद्दा आ जाता है, तो उस पर भी फोकस किया जाता है। तो हमारा काम यही होगा कि संडे संडे वीडियो आएगी हमारी, सिर्फ संडे को, संडे को ये वीडियो आया करेगी हमारी। ठीक है, और इसके अंदर ये 3 या 4 टॉपिक या 5 टॉपिक जो है डिस्कस किए जाएंगे। वहाँ पे तो क्या है, राज्यसभा का डिबेट जो होता है इंग्लिश में होता है, और काफ़ी बार हम चीज़ें मिस कर जाते हैं क्योंकि हमने बचपन से ही वो चीज़ जो है इंग्लिश को इतना फोकस नहीं किया। तो इसके अंदर मैं आपको पूरा हिंदी में बताऊंगा कि क्या उन्होंने कहने की कोशिश की, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अगर मैं इधर उधर से सर्च करके आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको एक डिटेल एनालिसिस पूरा एक मिल जाए, और उस न्यूज़ के बारे में कोई भी अगर टॉपिक आपसे पूछा जाए तो आप जो है आपके पास ऐसे पॉइंट्स हो जो दूसरे के पास ना हो। देखिए, यही यही फर्क होता है। क्यों? एक एक बच्चे के, इंसान के जीएस में जो है अच्छे मार्क्स आते हैं, दूसरे के नहीं आते, वो खूब पढ़ता है, क्योंकि उसके पास पर्सपेक्टिव अलग-अलग नहीं होते। काफी आपको जो है हर एंगल और हर डायमेंशन से सोचना पड़ता है। और जो राज्यसभा के डिबेट है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज आते हैं, कोई आपका फॉरनर एम्बेसडर होता है, कोई न्यूज़ से आता है, कोई द हिंदू से आ रहा है, ट्रिब्यून से आ रहा है, या इकोनॉमिक टाइम से आ रहा है। उसके बाद कोई जो है एम्बेसडर तो है ही, उसके साथ साथ कोई फॉरन सेक्रेटरी है, उसके बाद कोई मिनिस्ट्री से आया हुआ है। तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, और जब अलग अलग व्यूज़ से आपको पता चलता है। ठीक है, काफ़ी बार एनजीओ के मेंबर्स भी आते हैं इसके अंदर, और ये बहुत यानी कि अच्छे एमिनेंट पर्सन होते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। तो उनकी जो सोच है और उनकी जो वो बताते हैं, वो ऐसा होता है कि जिस जिस जो आप समझ लीजिए क्रक्स है ये। ठीक है, क्रक्स ही आपके लिए है, और उस क्रक्स से जो है आप प्रॉपरली जो है अपने आंसर को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए कोई भी टॉपिक है, सपोज कीजिए आज जैसे हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो के अंदर, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि क्या इस प्लान में होगा। इसके बाद संडे संडे वीडियो आपको मिला करेगी। देखिए, जो एक टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे यमन से रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे, यमन में जो सिविल वॉर है, अब ये पूरा यमन का बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी पार्टीज है, कैसे प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, कि क्यों इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, इंडिया इसमें क्या कर सकता है, और ये लोकेशन वाइज यमन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में ये अच्छे से बताते हैं कि आपको उसके बाद, मुझे नहीं लगता कि अगर इसी चीज़ को आप रिवाइज कर लेंगे तो बार बार, तो ये पूरे टॉपिक का आपको क्रक्स पता चल जाता है। और इस तरह के ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, मोस्टली यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगी तो उस वहां की सिचुएशन पूछेगी, उसके क्या एनालिसिस पूछेंगे। और अगर आप इस तरह की चीजें लिखते हैं कि आपको किस पार्टी को क्या बेनिफिट हो रहा है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप लिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो चलिए इस पार्ट में इतना ही मैंने बता दिया। अब संडे संडे टू वीडियो आया करेगी हमारी बिग पिक्चर की। आपने वीकेंड पे अगर बिग पिक्चर नहीं देख पाते आप, या आप मिस कर जाते हैं किसी भी रीजन से, तो आप संडे को वीडियो देख लीजिए, आपको डिटेल इसमें पता चल जाएगा। और एक जो न्यूज हम द हिंदू पढ़ते हैं, उसका एडिटोरियल हम जो डिस्कस करते हैं, उसके बिहाफ पे आपको ये इतना बेनिफिशियल रहेगी कि आप इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी कि आप उस टॉपिक के बारे में एक डिफरेंट सिनेरियो आपका निकल के आएगा, जो एक आम इंसान को नहीं पता होगा। नॉर्मल जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसको
उतना नहीं पता रहेगा जो आपको जितना इसके बारे में पता रहेगा, ठीक है। चलिए फिर इसको डिस्कस करेंगे, आज से पार्ट वन है हमारा, और संडे संडे वीडियो जो है आया करेगी, और इसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ये काफ़ी देर यानी कि मैं बहुत यानी कि 6 महीने से मैं चीज़ें सुन रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये बेनिफिट आपको भी जाना चाहिए, आपको भी इसका बेनिफिट पहुँचना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट से मिलेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।